और डॉक्टर से मैं अनुरोध करूंगी कि पीपीटी प्रोजेक्ट करें ताकि हम ये सेशन आगे बढ़ाएं। और इस सेशन के अंत में हम एक छोटा सा क्विज करेंगे ऑनलाइन, सबके पास मोबाइल फोन तो होंगे ही, उससे आप ये क्विज लेंगे जो इस सेशन पर ही आधारित होगा। सारे लोग नहीं कर पाएंगे तो टीम मोड में कर लेंगे। टीम मोड में भी 50 आ सकते हैं क्या? हाँ मैम, मोर देन उसमें अप टू 40 लिखा हो। यानी 50 तक आ जाते हैं। ठीक है, जो जो भी पहले लॉगिन कर लेंगे 50 लोग, उनके साथ ही हम ये क्विज प्ले करेंगे। बाकी के लोग अगली बार के सत्र में अगर हम कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो उसमें लॉगिन कर जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं ये सत्र। आईसीटी इनिशिएटिव्स इन इंडिया विद एम्फेसिस ऑन दीक्षा। लेकिन अगला स्लाइड करें। तो यहाँ देखिए इस स्लाइड में कि भारत में एजुकेशनल सिनेरियो क्या है, जो शिक्षा की स्थिति है, सीन है, परिदृश्य है, परिपेक्ष्य है, वो किस प्रकार का है। तो 10 लाख के करीब जो टीचर्स हैं हमारे देश में, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शिक्षक प्रशिक्षण करना और उनकी जो प्रशिक्षण निरंतर करते रहना, ये एक चैलेंज है जो हमारे सामने है, क्योंकि शिक्षकों की संख्या भी बहुत अधिक है हमारे देश में। इसके अलावा जो जनसंख्या है, जनसंख्या में हम देख सकते हैं भारत अब चीन से भी आगे पहुंच चुका है। 15 लाख स्कूल हैं हमारे देश में, 900+ यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, 17,000+ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और 33 करोड़ के करीब जो है हमारे देश में विद्यार्थियों की संख्या है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और निरंतर लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसे हमें अचीव करना है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज, शिक्षा और शिक्षा के विभिन्न आयाम परिवर्तनशील हैं, तो इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हमें निरंतर एक शिक्षार्थी बने रहना भी आवश्यक है, नहीं तो बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल के समय में बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं, मनी का ट्रांजैक्शन डिजिटल हो गया है, कि हम जो भी चीजें वित्त का लेन देन करते हैं उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस हैं अभी। बिल पेमेंट है कुछ, वो सब ऑनलाइन है, जैसे घर का बिल पे करना है, हाउस टैक्स, या बिजली का बिल करना है, या पानी का बिल करना है, तो इसमें वो समाज का तबका जो तकनीक को लेकर एक जिनके अंदर भय है, उनको इस सिनेरियो में फंक्शन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये मैंने एक उदाहरण पेश किया। अगर हम निरंतर एक शिक्षार्थी बने रहेंगे तो शायद जो नए नए बदलाव आ रहे हैं समाज में, तकनीक में, शिक्षा में, उनको उनसे अवगत रहेंगे और हमें समाज में जो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में भी कठिनाई नहीं आएगी। तो एनईपी में भी ये बात है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एक लक्ष्य की तरह देखा गया है और यह बहुत आवश्यक है। लेकिन आपको देख सकते हैं कि हमारी जनसंख्या कितनी है, तो उतनी बड़ी जनसंख्या को हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाए रखना है। इसके अलावा जो स्किल ट्रेनिंग है यूथ की, जो 2/3 पॉपुलेशन है हमारे देश की, जो स्किल हाँ उनकी स्किल ट्रेनिंग करना भी हमारे लिए एक लक्ष्य है, क्योंकि भारत के पास जनसंख्या है और ऐसे बहुत सारे विकसित देश हैं जहाँ जनसंख्या की, ह्यूमन रिसोर्स की, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो अगर हम अपनी शिक्षा को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से रीवैम्प करेंगे, इसका पुनर्गठन करेंगे, तो ये हमारे लिए जरूरी होगा। और उसके लिए हमें यूथ की ट्रेनिंग भी करनी है ताकि वो ग्लोबल वर्कफोर्स का हिस्सा भी बन सके।
इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइड भी हमारे देश में है, जो बहुआयामी है, जैसे जेंडर के आधार पर भी डिजिटल डिवाइड है, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भी डिजिटल डिवाइड है, कहीं कहीं इंटरनेट पहुंच तो गया है लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण एक अनइंटरप्टेड सप्लाई इंटरनेट की नहीं हो पाती है, तो ये भी डिजिटल डिवाइड का कारण बनता है। भाषाई विविधता भी डिजिटल डिवाइड का कारण बनती है, क्योंकि अधिकांशतः अंग्रेजी में अगर कंटेंट उपलब्ध है तो अन्य भाषा बोलने वाले लोगों को उसकी उपलब्धता में दिक्कत आती है। एक सेकेंड, मुझे एक कॉल लेना है 2 मिनट के लिए, मैं डिवाइड की भी बात कर ली। नेक्स्ट, ये कुछ जो चुनौतियां हैं हमारे सामने डिजिटल एजुकेशन के या टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो चुनौतियां हैं, क्योंकि हमने पहली स्लाइड में देखा था कि कितना बड़ी जनसंख्या के साथ हमें करना पड़ता है। अगर हम कोई भी छोटा विकास है जो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है उसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो तो हमें इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ डील करना पड़ता है, जो कि अन्य देशों के साथ जो बहुत छोटे हैं और जिनकी शिक्षा के बारे में हम कहते हैं कि बहुत विकसित स्थिति में है, पर उन्हें इतने नंबर ऑफ स्कूल्स के साथ, इतने बच्चों के साथ, इतने बड़े भौगोलिक प्रदेश के साथ डील नहीं करना पड़ता है। इसीलिए स्केलिंग अप करना, इम्प्लीमेंटेशन करना आसान होता है, जो हमारे लिए एक चुनौती है। इसके अलावा यहाँ हम देखेंगे कि कुछ और चुनौतियां हैं जो हमें जिनका सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती डाइवर्सिटी है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण दे चुकी हूँ, जैसे भौगोलिक विविधता है, वो तो है ही, इसके अलावा भाषाई विविधता है, भाषाई विविधता भी इम्प्लीमेंटेशन में आड़े आती है, और बड़ी जनसंख्या है वो तो है ही, और जो अलग अलग आधारों पर डाइवर्स है, अलग अलग आधारों पर जो भिन्न है, तो ये भी एक चैलेंज है जिसमें भौगोलिक विविधता की भी मैंने बात करी वो है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक समान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है देश में, विद्यालयों में सारे विद्यालय जो देश के हैं वो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं है, तो ये डेवलप करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के संभव नहीं है। लार्ज स्केल की तो हम बात कर ही चुके हैं कि जनसंख्या विद्यालयों की हो, विद्यार्थियों की हो या शिक्षकों की हो, वो बहुत अधिक है, और टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें ये जनसंख्या को भी ध्यान में रखना होगा। हालांकि कई बार टेक्नोलॉजी की वजह से हम स्केल अप भी कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी एक बूंद की तरह भी है बशर्ते कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ही देख लीजिए, ऑडियो नहीं आ रहा है ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग, चैट बॉक्स भी देखते रहिए, तो उनके एंड पे कुछ होगा क्योंकि किसी ने चैट में लिखा है कि ऑडियो नहीं आ रहा है। अपने एंड पे आप देखिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ऑडियो आ रहा है ज्यादा लोगों को। हाँ, तो जैसे ये ट्रेनिंग का ही आप उदाहरण लीजिए कि अभी इसमें 216 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने जगह पर हैं, और हम यहाँ दिल्ली से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो स्केलिंग अब कितना आसान है इस तकनीक की वजह से, तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग अप करना एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि उतने हमारे पास फंड्स भी होने चाहिए उतने बड़ी जनसंख्या विद्यालयों की उन तक पहुंचने के लिए। अगर हम बच्चों को भी एक एक डिवाइस देना चाहें तो 33 करोड़ बच्चों को हमें
डिवाइस उपलब्ध करानी पड़ेंगी जो शिक्षा के दायरे में हैं। फिर एक चुनौती है टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज, जो चाहे वो टीचर्स हों, टीचर एजुकेटर्स हों, उनकी टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज विकसित करना भी एक चैलेंज है, तभी हम भली भांति तकनीक आधारित शिक्षा को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा क्वालिटी डिजिटल रिसोर्सेज की तो हमने बात की ही कि गुणवत्तापूर्ण डिजिटल रिसोर्स की अभी कमी है, जिसको हमें बढ़ाना है, और इसीलिए हम ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करते हैं कि सही लोगों को ट्रेन किया जाए जो कि गुणवत्ता सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा कन्वर्जेंस ऑफ एफर्ट भी एक चैलेंज है कि हम अपने अपने स्तरों पर बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं, लेकिन एक इन सभी प्रयासों को अगर हम संयुक्त कर दें तो उस संयुक्त प्रयास की वजह से हमारा बहुत सारा मनी जो है वो बचता है। जैसे दीक्षा इसका एक उदाहरण है। दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है दीक्षा, जिससे हम नॉलेज शेयर करते हैं, और ये एक सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपने अपने स्थान मिले हुए हैं। ये एक फेडरेटेड और डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसपे सब अपने अपने स्पेस में स्वतंत्र हैं उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए। हालांकि हम महीने में एक बार आपस में जरूर मिलते हैं ये जानने के लिए कि राज्यों में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। तो ये कन्वर्जेंस ऑफ एफर्ट का एक उदाहरण है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक पोर्टल है दीक्षा, लेकिन उस पर सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं और वो स्वतंत्र हैं, वहां अपनी अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से निरंतर कार्य करते रहने के लिए। अब अगले स्लाइड पे आ जाएं, और सभी ये ध्यान रखें कि लास्ट में क्विज भी होगा तो ध्यान पूर्वक सुने। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि पॉलिसी डायरेक्शंस क्या रहे हैं आईसीटी यूज एंड इंटीग्रेशन में इंडिया में। तो 1972 से लेकर 2023 तक क्या क्या कार्य हुए वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ईटी स्कीम 1972 में लॉन्च करी गई थी, उसके बाद इनसेट सैटेलाइट नेटवर्क एक उपलब्ध कराया गया था 1983 में। फिर जो कंप्यूटर लिटरेसी एडेड प्रोजेक्ट, जिसको हम क्लास प्रोजेक्ट कहते हैं, वो 1984 में लॉन्च किया गया था। शिक्षा नीति जो थी 1968 की शिक्षा नीति के बाद 1986 में एक शिक्षा नीति देश को दी गई थी, जिसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था, 1992 में। और एड्यूसेट जो है, एजुकेशन सैटेलाइट, उसको लॉन्च किया गया था 2004 में, और उसके बाद ही आईसीटी एट स्कूल स्कीम और कंप्यूटर एडेड लिटरेसी नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन आईसीटी, ये दो सुविधाएं थी या दो स्कीम्स थी जो देश को दी गई थी, आईसीटी एट स्कूल विद्यालयी शिक्षा के लिए और नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन आईसीटी हायर एजुकेशन के लिए। 2010 में रिवाइज किया गया था आईसीटी एट स्कूल स्कीम को, और नेशनल आईसीटी अवार्ड भी इसमें शामिल किए गए थे, उनका प्रावधान भी रखा गया था। 2012 में फिर आईसीटी पॉलिसी बनी। 2013 में दो इनिशिएटिव जो NROER यानी कि नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज और आईसीटी करिकुलम, ये लॉन्च किए गए थे। 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन जारी किया गया था, ई पाठशाला और ई पीजी पाठशाला इनका प्रावधान किया गया था। 2017 में स्वयं मूक्स, स्वयं प्रभा DTH चैनल और दीक्षा, ये लॉन्च किए गए थे 2017 में। जो स्वयं मूक्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी में सिचुएटेड ये प्रोजेक्ट था, लेकिन स्कूल मूक्स को उपलब्ध कराने में एनसीईआरटी की भूमिका रही थी।
स्वयं प्रभा के तहत जो चैनल्स हैं वो दिए जा रहे हैं देश भर को, 200 चैनल दिए जा चुके हैं, ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं, और 12 चैनल एनसीईआरटी रन कर रहे हैं। कुछ और चैनल रन करने का हमारा भविष्य में एक कमिटमेंट है। और दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये भी 2017 में ही लॉन्च हुआ। 2018 में समग्र शिक्षा प्रकाश में आया ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव, क्योंकि इससे पहले आप सभी जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये अभियान चल रहे थे जो साइलोज में अलग अलग सेगमेंट में शिक्षा को देख रहे थे, लेकिन शिक्षा को हमें समग्र रूप में देखने की आवश्यकता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से लेके 12वीं तक की शिक्षा को, तो इसीलिए समग्र शिक्षा कहा गया, ना कि अलग अलग सेगमेंट्स में उसको देखने की बजाय। और साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की गाइडलाइंस भी 2018 में ही एनसीईआरटी के द्वारा बनाई गई, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी एक महत्वपूर्ण आयाम है जब हम साइबर वर्ल्ड में विचरण करते हैं, साइबर वर्ल्ड का प्रयोग करते हैं। 2019 में निष्ठा जो प्रोजेक्ट था, जो नेशनल इनिशिएटिव ऑफ स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम थे जिनकी शुरुआत की गई थी 42,000 एलिमेंट्री टीचर्स से 2019 में, कैस्केड मोड को थोड़ा रिड्यूस करके फेस टू फेस मोड में, लेकिन उसी समय जो कोविड-19 जो महामारी थी वो पूरे विश्व को ने उसको पूरा विश्व उससे ग्रसित हुआ, तो ये ट्रेनिंग को एनसीईआरटी ने ऑनलाइन मोड में फिर प्रशिक्षण शुरू किया, और उसके बाद सारे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया, और इसके और भी कई वर्जन्स आए शिक्षा में उपस्थित अन्य जो शिक्षक हैं सेकेंडरी लेवल पे ईसीसी के एफएलएन के, उनको ट्रेन करने के लिए। और इसी दौरान गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, ये भी प्रकाश में आई, जिसमें एक गाइडलाइंस है स्कूल एजुकेशन के लिए, और दूसरे विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए कैसा और किस तरह से ई कंटेंट डेवलप करना है, ये दो गाइडलाइन। 2020 से 2023 के बीच क्या क्या बदलाव आए आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइमलाइन में। NEP 2020, इसके अलावा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो NEP के हिसाब से ही उसको इम्प्लीमेंट किया गया, NETF जिसको कहते हैं, प्रज्ञाता गाइडलाइन फॉर डिजिटल एजुकेशन, जिसमें अलग अलग मॉडल हैं डिजिटल एजुकेशन के जो प्रस्तुत किए गए हैं, PM ई विद्या और NDEAR VSK यानी कि विद्या समीक्षा केंद्र, इसकी शुरुआत की गई। और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, हालांकि 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण होना है, तो स्कूल एजुकेशन के लिए उन का निर्माण का कार्य शुरू हुआ, और इसमें से बन भी चुके हैं करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें कि एक बॉटम अप अप्रोच करा गया, टॉप डाउन नहीं कि एनसीईआरटी से परक्यूलेट होके जैसे कि पहले होता था, फिर राज्यों को अपने राज्य स्पेसिफिक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाते थे, पर अभी बॉटम अप अप्रोच है कि पहले लिया गया राज्यों की आवश्यकताएं है, क्या हैं उनके करिकुलम फ्रेमवर्क, और उससे फिर राष्ट्रीय स्तर के करिकुलम फ्रेमवर्क उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ये इस तरह से बॉटम अप अप्रोच से NCF का निर्माण किया गया। अगला स्लाइड, हालांकि इस स्लाइड में काफी कुछ कवर हो चुका है, तो क्विकली हम और स्लाइड लेंगे और फिर हम क्विज पर आएंगे, पर आप अपना जो अटेंशन है वो बनाए रखें ताकि क्विज आप सक्सेसफुली कर पाए। फिर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के में किन बातों पर, किन एरियाज हैं जिन पर हमें विशेष बल देना है NEP 2020 के हिसाब से, तो वो हम देखें कि क्या क्या है। ये 6 एरिया हैं, टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन प्रोसेस, इस पर
शिक्षण अधिगम और असेसमेंट या इवैल्यूएशन मूल्यांकन, दूसरा है सपोर्टिंग टीचर प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर प्रिपरेशन यानी कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जो होती है, और दूसरा की प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कि शिक्षा के दायरे में है, जो सर्विस में टीचर्स हैं उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये दोनों को भी हमें मजबूत बनाना है। इसके अलावा एजुकेशनल एक्सेस को सुनिश्चित करना, इनहैंस करना, ये भी एक वो है कि सबके लिए एक्सेसिबल हो एजुकेशन। इसके अलावा स्ट्रीमलाइनिंग एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन तकनीक के माध्यम से, ये भी एक विशेष जो थर्स्ट है, बल दिया है NEP 2020 ने इस एरिया में भी। फिर लैंग्वेज बैरियर का अगर हम उसको दूर कर सकें, ये भी एक एरिया है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर हम AI बेस्ड टूल से अगर हम ट्रांसलेट कर पाए, कोई ऐसा रोबस्ट टूल बना पाए जिससे गुणवत्तापूर्ण ट्रांसलेशन सुनिश्चित कर सके विभिन्न भाषाओं में, तो इसकी बात है। फिर दिव्यांग स्टूडेंट्स को एक्सेस देना शिक्षा का, ये तो उनके लिए उसी हिसाब से ई कंटेंट का निर्माण करना और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको एक्सप्लोर करना, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष बल देने वाले एरिया हैं। अगला स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ देखेंगे कि ये सब रिकमेंडेशंस हैं NEP 2020 के ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन के लिए। प्रोफेसर बेहरा ने आपको बताया कि दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 22 और चैप्टर 23 और चैप्टर 24 NEP 2020 में, जो तकनीक को किस तरह से प्रयोग करना है उस पर आधारित हैं। तो उन चैप्टर का ये एक सार है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ICT में NEP के रिकमेंडेशन क्या क्या हैं, जिस पे हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं उसके मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो चुनौती के तहत हमने देखा था, तो उन चुनौतियों को ही कैसे हमें पूरा करना है ये NEP में रिफ्लेक्ट किया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें पोर्टल एप्स एंड टूल्स डेवलप करना है, डिजिटल रिसोर्सेस यानी कि डिजिटल कंटेंट गुणवत्तापूर्ण, टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी को भी हमें हार्नेस करना है, यानी कि टेलीविजन और रेडियो की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए कैसे हम प्रयोग कर सकें, ये भी NEP 2020 में इसका भी जिक्र है। इसके अलावा ई गवर्नेंस, ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन जो कि एक चुनौती है, हमारा बाकी एग्जामिनेशन सिस्टम तो सेट है, लेकिन अगर कभी जैसे पेंडेमिक के दौरान पूरी शिक्षा ही एक में रुकावट आ गई थी, तो किसी तरह से शिक्षा में तो निरंतरता जारी रखने का प्रयास किया गया, गाइडलाइंस बनी और बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन असेसमेंट एक एरिया है जो उस पे हमें कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय लर्निंग लॉस बहुत हुआ है बच्चों का जो कि विजिबल है, और वो इसीलिए क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन सिस्टम का अभाव रहा कि कैसे हम असेसमेंट कर पाए बच्चों का। इसके अलावा बिल्डिंग डिजिटल कॉम्पिटेंसीज ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी हमें इस पर भी बल देना है, क्योंकि बच्चे हमसे ज्यादा हालांकि डिजिटल कॉम्पिटेंट हैं अडल्ट से, लेकिन साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो आयाम है उसमें शायद वो बच्चों को और ज्यादा हमें ट्रेन करने की जरूरत है। ये मैं आपको बता चुकी थी जब मैं सेशन का बैकग्राउंड आपको बता रही थी, और इसीलिए हमने इसमें आपके लिए एक सेशन साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी का भी रखा है। फिर कंटेंट टेक्नोलॉजी पेडागोजी इंटीग्रेशन, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये है बहुत आवश्यक है। और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज पर भी एक सेशन होगा, ये NEP में भी रिकमेंडेड है, ये बहुत आवश्यक है। और टीचर्स की और टीचर एजुकेटर्स की ICT में कैपेसिटी बिल्डिंग आवश्यक है, जो NEP का रिकमेंडेशन भी है। और हर चीज के लिए जो भी टेक्नोलॉजी जी के क्षेत्र में हमें कार्य करना है NEP इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हर कार्य के लिए हमें स्टैंडर्ड ले डाउन करने हैं,
मानक स्थापित करने हैं, जैसे कि ई कंटेंट डेवलपमेंट की गाइडलाइंस और प्रज्ञाता गाइडलाइंस मानक हैं। ई कंटेंट डेवलपमेंट गाइडलाइंस मानक हैं ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, और जो प्रज्ञाता गाइडलाइंस हैं वो मानक हैं डिजिटल एजुकेशन के अलग अलग मॉडल्स कैसे होने चाहिए उसके लिए। इसके अलावा ईटी में एक्सटेंसिव रिसर्च भी रिकमेंड करा गया है एनईपी 2020 में, कि हमें इंटेंसिव रिसर्च करना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। अगली स्लाइड पे आ जाएं। यहाँ हम देखेंगे कि ये मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें पीएम ई विद्या, दीक्षा, ई पाठशाला, निष्ठा, स्वयं, आईसीटी करिकुलम, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आईसीटी करिकुलम है आईसीटी कॉम्पिटेंसीज विकसित करने के लिए। अगली स्लाइड। ये विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में है। विद्या समीक्षा केंद्र है डेटा ड्रोवन डिसीजन मेकिंग के लिए। ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमें विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करना है, और ये रिफॉर्म्स को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि इससे हर जो भी प्रोग्राम, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उसका हमें डेटा मिलता है, और डेटा से हमें गैप एरियाज भी मिलते हैं कि कहाँ पर गैप है जहाँ हमें विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये डेटा ये सुनिश्चित करता है कि उन गैप्स की ब्रिजिंग हम किस तरह से करें। उदाहरण के तौर पे निष्ठा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम एनसीईआरटी ने चलाया, तो हमारे विद्या समीक्षा केंद्र में वो पूरा डेटा है कि निष्ठा एलिमेंट्री कितने शिक्षक हैं किस राज्य में, कितने लोगों ने सारे मॉड्यूल्स कवर कर लिए हैं, कितने लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया है, और कितने लोगों को अभी भी ये प्रशिक्षण करना है। इसी तरह से दीक्षा पर अगर एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स ईटीबी वो सभी राज्यों को डालनी है और नेशनल लेवल से भी डालनी है, तो उसके कंप्लीशन का स्तर क्या है, ये हमें विद्या समीक्षा केंद्र से पता चलता है। गैप्स पता चलते हैं, और गैप पता चलते हैं तो गैप की ब्रिजिंग भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला स्लाइड। ये अलग अलग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो राष्ट्रीय स्तर से हुए, जिसमें निष्ठा है, जिसमें 65 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जिसमें 6,44,360 सर्टिफिकेट इशू किए जा चुके हैं। मूक्स फॉर स्कूल एजुकेशन है, जिसमें 4,17,338 जो विद्यार्थी, शिक्षक, पेरेंट्स और सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं वो एनरोल्ड हैं। ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन ईटी एंड आईसीटी, ये हमारा लाइव प्रोग्राम है जो निरंतर चलते रहते हैं, जिसमें जिन्होंने भी ये प्रशिक्षण दिया है ऑनलाइन उन्हें 7 लाख और एग्जाम लिया है इसके बाद, 7 लाख से ऊपर सर्टिफिकेट्स इशू किए जा चुके हैं। और जिन प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है वो मूडल है, सनबर्ड है, ओपन एडेक्स एंड गूगल कोर्स बिल्डर है। नेक्स्ट स्लाइड। ये निष्ठा के जो अलग अलग 4 राउंड हो चुके हैं अलग अलग लेवल्स को एड्रेस करने के लिए, वो है निष्ठा एलिमेंट्री, जिसमें 18 मॉड्यूल हैं, 30 राज्य और यूटीज और 7 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इसको कर चुके हैं, और ये 11 भाषाओं में उपलब्ध है। निष्ठा सेकेंडरी के लिए 12 कोर्सेज हैं, 33 स्टेट्स ने और 8 ऑटोनोमस बॉडीज ने ये कंप्लीट कर लिया है, 10 भाषाओं में है। इसके अलावा 10 कोर्सेज हैं निपुण भारत इम्प्लीमेंटेशन के लिए एफएलएन के, 33 राज्यों ने ये किए हैं, 5 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये 11 भाषाओं में उपलब्ध हैं। और निष्ठा ईसीसी ये ऑन गोइंग है, जिसमें 6 कोर्सेज हैं, 29 स्टेट्स हैं और यूटीज हैं जिन्होंने इनिशिएट किया है, और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ये 2 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। और इनके टारगेट हम देखें तो निष्ठा एलिमेंट्री के 42 लाख टीचर टारगेट हैं, 7.2 लाख हैं निष्ठा सेकेंडरी के,
निपुण भारत के 12 लाख 12.9 लाख हैं, और ईसीसी के जो हैं वो 34,000 टारगेट ऑडियंस हैं हमारे लिए। अगला, ये वर्चुअल लैब्स हैं जो उपलब्ध हैं दीक्षा पर, तो उसका एक स्क्रीनशॉट है, तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस पर समय समय पर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, जिससे कि सभी लोग जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं वो इसमें प्रशिक्षण लेकर इन वर्चुअल लैब्स का लाभ उठा सके। तो वर्चुअल लैब का उद्देश्य एक तो ये भी है कि जहाँ लैब्स नहीं है वहाँ लैब्स को सुनिश्चित करना कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में लैब उपलब्ध हो, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है रियल लैब का। रियल लैब तो होने ही चाहिए, पर जहाँ रियल लैब भी है एक बार में ही एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो हम एक्सपेरिमेंट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मैं हाँ यहाँ देखिए, तो ये फिजिटल लिखा हुआ है वर्ड, इसमें चैट बॉक्स में चाहे तो आप लिख सकते हैं कि फिजिटल का मीनिंग क्या है। कुछ लोग अगर लिखना चाहें फिजिटल का मतलब, ये फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। जैसे हमारी फिजिकल किताबें हैं बहुत सारे राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की और एनसीईआरटी के, तो उसमें फिजिकल किताबों में क्यूआर कोड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम ऐप से, दीक्षा ऐप से स्कैन करते हैं मोबाइल के माध्यम से, जो कि डिजिटल डिवाइस है मोबाइल, उसमें जो क्यूआर कोड से अलाइंड डिजिटल कंटेंट है वो हम देख सकते हैं। तो इस तरह से फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन, फिजिटल हम इसको कहेंगे। तो हमारी किताबें फिजिटल हैं। 9वीं और 10वीं की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, अच्छे सही रिस्पॉन्स आ रहे हैं बहुत सारे लोगों से, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है देख के कि आप अलर्ट हैं और सुन रहे हैं और सोच भी रहे हैं। 9वीं 10वीं की किताबों में ऑग्यूमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया गया है, जिसमें दीक्षा AR ऐप से अगर हम उनकी इमेजेस स्कैन करते हैं तो उन इमेजेस का 3D हमें इम्प्लीमेंटेशन मिल, 3D डेमोन्स्ट्रेशन हम देख सकते हैं ऐप में। अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का उदाहरण है जो मैंने अभी बात की। जैसे ये अगर इमेज पाचन तंत्र की होगी, तो जब हम उसको ऐप से स्कैन करेंगे, ये भी फिजिटल का उदाहरण है, तो हमें ये हम देख सकते हैं इसका 3D की किस तरह से पाचन होता है। वस्तुतः जब मुंह से खाना जाता है, इसोफोगस और हमारी जो फूड पाइप है उससे होते हुए किस तरीके से बड़ी आंत छोटी आंत और लीवर से एंजाइम निकलते हैं, ये सारा प्रोसेस हम उसमें 3D एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। तो इस तरह से किताबों को फिजिटल बनाने की कोशिश की गई है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड फिजिटल। नेक्स्ट प्लीज। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग लैब के ग्लिम्सेस हैं, जहाँ नई टेक्नोलॉजीज को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है एनसीईआरटी में, जिसमें AR VR टेक्नोलॉजी और भी कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, एडमिनिस्ट्रेटर्स और विद्यार्थी, और जो प्रशिक्षु विद्यार्थी हैं शिक्षक प्रशिक्षण के, वो भी निरंतर आते रहते हैं और देखते हैं कि किस तरह की नई तकनीक शिक्षा में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ देखें कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग दीक्षा जो है उसमें क्या क्या उपलब्ध है। ये OER की एक तो रिपोजिटरी है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें करिकुलम अलाइंड कंटेंट है, एनालिटिक्स भी हमें मिलते हैं कि क्या स्टेटस है इसके व्यूअरशिप का। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी है दीक्षा में, अभी 38 भारतीय भाषाओं में और कुछ फॉरेन भाषाओं में, 38 में ही जो शामिल है कंटेंट उपलब्ध है, और डाउनलोड करके कंटेंट को इनका हम ऑफलाइन एक्सेस भी कर सकते हैं। नई पॉलिसी के हिसाब से ये जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये नए चीजें
चीजें इस पे निर्मित की गई हैं दीक्षा पे, जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक वर्टिकल है, जहाँ स्पेशल कंटेंट फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। अडल्ट एजुकेशन, जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल वर्टिकल, वहाँ अडल्ट एजुकेशन के और लाइफ लॉन्ग लर्निंग से संबंधित रिसोर्सेस उपलब्ध हैं। वर्चुअल लैब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अभी पाइपलाइन में है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन इन प्रोसेस है। वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोसेस में है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। जादुई पिटारा लॉन्च हो चुका है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, इसमें डिजिटल कंटेंट उपलब्ध है और ये फिजिकल रूप में भी उपलब्ध है। पर फिजिकल पिटारा पहुंचते पहुंचते या लोग अगर उसको अपने स्तर पर बनाए तो बहुत समय लगेगा, डिजिटल बस एक क्लिक अवे है। अगला स्लाइड। ये दीक्षा में ई कंटेंट का स्टेटस है, ये हम स्लाइड शेयर कर लेंगे तो आप देख सकते हैं, इन पे मैं चर्चा कर भी चुकी हूँ। इंडियन साइन लैंग्वेज में भी हमारे पास कंटेंट उपलब्ध है। अगला स्लाइड। ये दीक्षा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि क्या क्या चीजें दीक्षा पर उपलब्ध हैं, इनेबल्ड हैं। एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स जो दीक्षा पे उपलब्ध हैं उन्हें हम एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स कहते हैं, जो क्यूआर कोड से एनर्जाइज्ड हैं। सीपीडीज हम बात कर चुके हैं, क्वेश्चन बैंक है, कंटेंट सोर्सिंग विद्यादान के तहत की जाती है, कंटेंट ऑथरिंग भी हम इस पे कर सकते हैं यानी कि कंटेंट बना सकते हैं, क्विज है, ई कंटेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डेटा टूल्स एंड डैशबोर्ड्स हैं, चैटबॉट है, डिजिटल क्रीडेंशियल्स इस पे हम निर्मित कर सकते हैं, कोलैबोरेशन है, फिजिटल है, सी क्यूब जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से विद्या समीक्षा केंद्र का निर्माण हो रहे हैं सब देश के विभिन्न भागों में, सर्वेज हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए भी प्रोविजन है या आगे हम करने वाले हैं मेंटरिंग, और सनबर्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इस पे विभिन्न चीजें जो निर्माण करने का प्रावधान है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है वैरायटी ऑफ डिजिटल कंटेंट जो उपलब्ध है, जिसमें एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स हैं, ई कोर्सेज हैं, इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव कंटेंट जो कि गेमिफाइड है, असेसमेंट क्वेश्चंस, गाइडलाइंस एंड हैंडबुक्स, ऑडियो टॉकिंग बुक्स और ऑडियो बुक्स हैं, फिर है इंफोग्राफिक्स, वीडियो, यूडीएल बेस्ड वीडियोस एंड वर्कशीट्स। अगला, इसको स्किप कर सकते हैं, वही सेम ही है। ये एक गेमिफाइड कंटेंट का उदाहरण है, जहां हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, ये ड्रॉप बॉक्स है, ऊपर क्वेश्चन है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक सेशन जो आफ्टरनून में होगा उसमें आपको दिया जाएगा कि किस तरीके के ये कंटेंट हैं गेमिफाइड। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ ये ई कंटेंट जो है यूडीएल बेस्ड है, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, जो क्योंकि हमें हम सबको पता है कि जो हमारे लर्नर्स जो हैं वो अलग अलग तरह से सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं, कुछ बोल के ज्यादा अच्छा सीखते हैं, कुछ करके अच्छा सीखते हैं, कुछ सभी सेंसेस के प्रयोग से अच्छा सीखते हैं। तो यूडीएल बेस्ड कंटेंट ये सुनिश्चित करते हैं कि ये सभी प्रकार के स्टिमुलस बच्चों को मिले, सुनने को भी मिले, देखने को भी मिले, पढ़ने को भी मिले, और अगर कुछ गतिविधि करनी है तो गतिविधि करने को मिले और साइन लैंग्वेज में भी हो। तो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इसमें हम देखें कि ये टेक्स्ट भी आ रहा है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है और साइन लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। अगला, ये ई पाठशाला है जो एक ऐप और पोर्टल के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट, ये और ऐप है जिसमें दीक्षा ऐप है, ई पाठशाला है, निष्ठा है, एआर जो मैंने बताया कि फिजिटल को ये करने के लिए, स्कैन करने के लिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का ऐप है, ई पाठशाला स्कैनर ऐप है, एसएसपी मॉरिशस जो मॉरिशस के लिए बनाया है, एनसीएफ के लिए एक ऐप है, और दिशांक एक ऐप है एनसीएफ के सर्वेज के लिए, प्रशस्त जो ऐप है वो एक नया ऐप जो अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने बनाया है
तो ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के लिए है डिसेबिलिटी की। अगर देश भर में विद्यार्थियों में डिसेबिलिटीज हैं तो प्रशस्त ऐप के माध्यम से हम स्क्रीन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों में, जो 21 डिसेबिलिटी लिस्ट करी गई हैं जो एक्ट है हमारा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, उसमें तो उनको किस तरीके से हम प्रशस्त ऐप के माध्यम से उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और फिर आगे फॉलो अप। नेक्स्ट, तो ये प्रशस्त का आप देख सकते हैं ओपनिंग स्क्रीन और बाकी स्क्रीन उसमें क्या क्या है, आप इसको इंस्टॉल करें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर ये पीएम ई विद्या के में किस किस किन किन चीजों का यूनिफिकेशन है, जो है टेलीविजन, रेडियो, दीक्षा, स्पेशल ई कंटेंट एंड ऑनलाइन कोर्सेस। तो पीएम ई विद्या एक अमरेला प्रोजेक्ट है जिसके तहत टेलीविजन, रेडियो, दीक्षा, स्पेशल ई कंटेंट एंड ऑनलाइन कोर्सेस आते हैं। नेक्स्ट, ये है कि किस तरह से दीक्षा को हम लेवरेज कर रहे हैं फॉर कोहरेंट एक्सेस, क्योंकि अगर टेलीविजन पर 12 चैनल हैं लेकिन किसी घर में केवल एक ही टेलीविजन सेट है, एक मोबाइल है, तो दो बच्चे एक ही समय में अपनी अपनी कक्षाओं का कंटेंट कैसे देख पाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है जिसके लिए हर टीवी पे टेलीकास्ट होने वाले प्रोग्राम में भी क्यूआर कोड है। तो एक बच्चा टीवी पे देख सकता है, दूसरा बच्चा अपनी कक्षा का क्यूआर स्कैन करके मोबाइल पे वो कंटेंट अपनी कक्षा का देख सकते हैं। और ये कोहरेंट एक्सेस का एक आयाम है। दूसरा कि जो भी टेलीकास्ट होता है कंटेंट, वो दीक्षा के चैप्टर्स के साथ भी, एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स के चैप्टर के साथ भी हम अलाइन कर देते हैं। अगला स्लाइड, तो ये पीएम ई विद्या का हम स्टेटस देख सकते हैं कि कितने प्रोग्राम, कितने लाइव शो और कितने आईएसएल वीडियो और कितना कंटेंट रिव्यू किया जा चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ हाँ ये भी स्टेटस ये, तो उसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। हाँ, तो ये रेडियो का ये है कि 400 के करीब रेडियो चैनल्स को एनसीईआरटी कैटर करते हैं और 1 से 12 तक की कक्षाओं का कंटेंट टीवी पर उपलब्ध है 12 चैनल्स के माध्यम से, और पॉडकास्ट एंड आई रेडियो टेक्नोलॉजी का भी हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये भी रेडियो का ही डेटा है, ठीक है, ये एनालिटिक्स के बारे में है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि किस तरह से ईमेल के माध्यम से और आईवीआरएस सिस्टम के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से हम अपने चैनल्स के बारे में फीडबैक रिसीव करते हैं। नेक्स्ट, ये गाइडलाइंस हैं जिनके बारे में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, प्रज्ञाता गाइडलाइंस और गाइडलाइंस फॉर ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट फॉर स्कूल एंड टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट, तो ये साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की गाइडलाइंस हैं, ये सब सीआईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और आप सब वहां से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स हैं, ये इंटरनेशनल कोलेबोरेशन है, जैसे भूटान के साथ, मॉरिशस के साथ, नेपाल के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है, और निरंतर हम हमारे पास जो कुछ अच्छा है वो सिखाने के लिए और जो अन्य विकसित देश है उनसे सीखने के लिए इस तरह के कोलैबोरेशंस करते रहते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करिए, जो कुछ अवार्ड्स हैं एनसीईआरटी को अपने अच्छे कार्य के लिए हासिल हुए हैं। अगला स्लाइड, मेरे ख्याल से ये खत्म हो चुका है आज का प्रेजेंटेशन। फिर हम ये क्विज करते हैं जो इस प्रेजेंटेशन पर आधारित है। इसके लिए आप लोग काहूत अपना ब्राउजर ओपन करें, सब लोग। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप जो मेन्यू बार है उसमें kahoot.it चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ब्राउजर ओपन करके उसमें काहूत KAHOOT.IT टाइप करिए।
चैट बॉक्स से देख लीजिए, kahoot.it अपने ब्राउजर में करिए, इस पर क्लिक कर दीजिए डॉक्टर गुलशन। लॉगिन, मैं आपको पिन का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू विद गूगल कर लो। स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग करके हम पहले लॉगिन। ठीक है, आप लोग जब तक करिए, उसमें पिन का ऑप्शन मांग रहा होगा एंटर करने के लिए। अभी आपको पिन डिस्प्लेड दिखेगी स्क्रीन पे, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तब तक मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ, क्विज के इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनिए, नहीं तो आपको सही आंसर आता भी होगा तो वो गलत आप गलती से कर देंगे। तो आपको जो मेरा स्क्रीन है, मेरे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस और उसके चार ऑप्शन ऑप्शनल आंसर्स मिलेंगे, जो चार अलग अलग कलर्स के अंदर लिखे होंगे, जैसे ब्लू है, येलो है, ग्रीन है और रेड है। तो हो सकता है कि रेड कलर के अगेंस्ट सही आंसर लिखा हुआ हो, लेकिन आपको अपने मोबाइल पे केवल प्रश्न नजर आएगा, ऑप्शन आपको स्क्रीन से देखने हैं, और आपको अपने मोबाइल पे चार कलर के बॉक्सेस रहेंगे, नीला, पीला, हरा और लाल। अगर सही आंसर लाल है तो आपको लाल कलर अपने मोबाइल में दबाना है। स्पष्ट है, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए वो स्पष्ट है कि आपको ऑप्शन मेरे स्क्रीन पे दिखेंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे केवल चार कलर आएंगे। अगर लाल कलर का आंसर सही है तो आपको अपने मोबाइल पे लाल कलर दबाना है। ठीक है, चलो अब प्रोजेक्ट करिए। तो यहां आप देख सकते हैं पिन 5 3 2 4 3 8 8, 5 3 2 4 3 8 8, ये पिन है। क्यूआर भी अगर स्कैन करना चाहें तो क्यूआर से भी स्कैन करके गेम पर पहुंच सकते हैं। तो ये तीन टीमें हैं, टीम ब्रेन, और इसमें आप अपने नाम देख सकते हैं कौन किस टीम में है, टीम मूस एंड टीम टर्की, ये तीन टीम है। आप लोग एक बार ज्वाइन कर लें सब, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्विज। हाँ हाँ ठीक है, वो बता देते हैं, इसमें आ जाएगा जैसे ही, हाँ आ गया, 50 की लिमिट हो जाएगी, हो गया। हो गया। हाँ तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 50 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं जिन्होंने भी जल्दी जल्दी किया, बाकी लोग एंजॉय करें, देखें, और आप चैट बॉक्स में आंसर लिखें। बाकी लोग जो लॉगिन नहीं कर पाए हैं क्योंकि 50 की लिमिट है, वो जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा उस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में लिख देंगे। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न अब आएगा, ये क्विज का टाइटल है। पहला प्रश्न आप देखेंगे अभी अपने स्क्रीन पे, शिव म्यूजिक भी करो उससे अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ दो, मेरे यहाँ पे हाइड हो रहा है। एनसीएफ के लिए कौन सा अप्रोच अडॉप्ट किया गया है, सेंट्रलाइज्ड, टॉप डाउन, बॉटम डाउन या बॉटम अप या नन ऑफ दीज। कैट बॉक्स में सही से आंसर आने शुरू हो गए हैं। अब 21 लोगों ने सही जवाब दिए हैं, 12 लोगों ने, 13 लोगों ने गलत जवाब दिए। हाँ देखें, नेक्स्ट देखें, कौन टॉप पे, कौन सी टीम टॉप पे है, ये आ जाएगा। अब ये स्कोर बोर्ड है, टीम ब्रेन है जो टॉप पे है 628 पॉइंट के साथ, टीम माउस सेकेंड नंबर पे है और टीम टर्की जो है वो थर्ड नंबर पर है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा? बहुत आसान सवाल है, ऑप्शंस आप देख सकते हैं, रेड येलो ब्लू एंड ग्रीन, कौन सा ऑप्शन सही है? ब्लैक और आंसर के लिए आपके पास 20 सेकेंड है, तो जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। 44 लोगों ने आंसर किया इसका, बहुत ज्यादा लोगों ने, 36 लोगों ने उनमें से सही जवाब दिया है, 8 लोगों के आंसर गलत थे। टीम ब्रेन अभी भी टॉप पर है और थोड़ा ही पीछे है टीम मूस एंड टीम टर्की। चलिए अगला अगले प्रश्न पर आते हैं। चैट बॉक्स पे भी मुझे बहुत सही सही जवाब मिल रहे हैं, वेरी गुड, जो लोग चैट बॉक्स से भी जवाब दे रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी टू सी देम। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी मीडिएटेड एजुकेशन? क्या इनमें से चैलेंज नहीं है? रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन, कौन सा आंसर जो चैलेंज नहीं है? चैलेंज नहीं है, आप लोग जल्दीबाजी में आंसर कर रहे हैं, जो चैलेंज नहीं है। चैट बॉक्स में इस बार थोड़ा जल्दीबाजी में लोगों ने आंसर किया। ठीक है, जो आंसर था वो सही था, इसमें पोर्टल्स एंड एप्स को हमने चैलेंज में नहीं शामिल किया था। अभी भी टीम ब्रेन टॉप पर है और अब नंबरों का गैप थोड़ा बढ़ गया है। टीम ब्रेन जो बहुत जल्दी जल्दी इसके पार्टिसिपेंट्स अपना कलर प्रेस कर रहे हैं। अगला प्रश्न, जो दीक्षा पर डिजिटल बुक्स हैं, द डिजिटल बुक्स डिसेमिनेटेड थ्रू दीक्षा आर पॉपुलरली नोन एज, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंशियल, एनर्जाइज्ड, एंगेजिंग या इलेक्ट्रॉनिक? रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन, क्या है? हाँ, चैट बॉक्स में बहुत क्विकली आंसर मिल रहे हैं, जल्दीबाजी में ना दे आंसर, ध्यान से पढ़ें प्रश्न को फिर आंसर दें। या येलो कलर के अगेंस्ट जो आंसर है एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स, वो सही है, 34 लोगों ने सही आंसर दिया है, 10 लोगों के आंसर गलत हैं और अभी भी टीम ब्रेन टॉप पे है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। व्हाट आर द ई कंटेंट्स अवेलेबल ऑन दीक्षा? दीक्षा पर जो वैरायटी ऑफ ई कंटेंट्स हैं वो क्या है? मुझे चैट बॉक्स के आंसर भी फ्लैश होते दिख रहे हैं, बाकी टीम्स के तो बाद में पता चलेंगे। हाँ, इस बार सारे लोगों ने सही आंसर किया है इसका, जो जिन्होंने गेम के माध्यम से किया है। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्कोरबोर्ड में अभी भी टीम ब्रेन ही है जो टॉप पर चल रही है, टीम टर्की सेकेंड नंबर पे आ गई अब थर्ड से, और टीम मूस जो है वो थर्ड नंबर पर आ चुके हैं। अगला प्रश्न, नेम ऑफ द मोबाइल ऐप फॉर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ डिसेबिलिटीज, प्रशस्त है, नैस है, किशोर मंच है या पिंडिक्स है? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, अभी भी 3 लोगों ने आंसर गलत किया है, 42 लोगों ने सही आंसर किया है इसका, और चैट बॉक्स में भी करीब करीब मुझे लग रहा है सब लोगों ने ही सही जवाब दिया है, चैट बॉक्स में भी काफी आंसर सही मिल रहे हैं। अभी भी टीम ब्रेन टॉप पर है, टीम टर्की सेकेंड नंबर पर आ चुकी है और टीम मूज अभी थर्ड नंबर पर आ गए हैं। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ
वीएसके, वीएसके का क्या सिग्निफिकेंस है, विद्या समीक्षा केंद्र का? तो रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन सेंड इंफॉर्मेशन टू एससीईआरटी, एनालिसिस द फंक्शनिंग ऑफ प्रायोरिटी मॉनिटरिंग ऑफ डाइट्स और या डेटा ड्रोवन डिसीजन मेकिंग। वीएसके से हम क्या सुनिश्चित कर पाते हैं? एससीईआरटी को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, प्राइवेट पार्टनर्स की फंक्शनिंग का एनालिसिस करते हैं, डाइट की मॉनिटरिंग करते हैं, या डेटा डिसीजन ड्रोवन मेकिंग इससे सुनिश्चित होता है? चैट बॉक्स में बहुत अधिक सही आंसर हमें मिल रहे हैं और यहाँ 30 लोगों ने सही आंसर किए हैं, 7 लोगों ने आंसर गलत किए हैं। और अब हम देखें तो स्कोरबोर्ड की स्थिति क्या है। टीम ब्रेन अभी भी टॉप पर है और टीम टर्की सेकेंड नंबर पर चल रही है, टीम माउस मूज जो है वो थर्ड नंबर पे है। अब और क्वेश्चन बचे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय फिजिटल? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल टेक्स्ट बुक एंड डॉक्यूमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल टेक्स्ट बुक्स एंड डिसेमिनेशन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से दीजिएगा आंसर। जी 24 लोगों ने सही आंसर दिया है, 10 लोगों ने, क्योंकि येलो और रेड कंफ्यूजिंग था, मुझे लग रहा था कुछ लोग जरूर येलो प्रेस करेंगे इसमें। हाँ, चैट बॉक्स में भी बहुत लोगों के रिस्पॉन्स सही आए। तो अब देखते हैं फाइनल स्थिति क्या है स्कोरबोर्ड की। टीम टर्की थर्ड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे टीम मूव्स एंड टॉप पर है टीम ब्रेन। तो सभी के लिए जोरदार तालियां, सबका वो ओपन कर दीजिए ताकि हम तालियों की आवाज तो सुन सके। माइक्रोफोन ओपन कर। तो थैंक यू वेरी मच क्विज में पार्टिसिपेट करने। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसी के साथ ये जो सत्र है इसको हम समाप्त करते हैं और मैं डॉक्टर गुलशन को देती हूँ माइक, आगे वो क्या अनाउंस करती हैं। टी ब्रेक करते हैं अभी हम 15 मिनट के लिए। टी ब्रेक के बाद आप सब लोग जब ज्वाइन कर लेंगे तो अगला सत्र, आज आपको मुझे ज्यादा सुनना पड़ेगा, तो अगले सत्र में भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। तो चाय के लिए आप लोग लॉग ऑन मत कर, लॉग आउट मत करिए, बस आप अपना कैमरा और माइक बंद करके ब्रेक ले। क्योंकि वर्चुअल मोड में है तो हम तो ऑफर नहीं कर सकते आपको चाय, लेकिन आप अच्छी चाय पीजिए।